बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा का हाल ही में पहला गाना आंख मारे रिलीज हुआ है। गाने में सारा और रणवीर जबरदस्त डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं। गाने में सारा का अलग अवतार और तेवर लाजवाब हैं। उनके एक्सप्रेशंस और चुलबुली हरकतें मां अमृता की डेब्यू फिल्म बेताब की याद दिला रही हैं। दरअसल अमृता ने फिल्म बेताब से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बेताब में सनी और अमृता की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म का गाना जब हम जवां होंगे आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिल जाता है। गाने में अमृता की अदाओं को लोगों ने काफी पसंद किया था। गाना काफी पॉपुलर हुआ और अमृता सिंह की खूबसूरती और अदाओं के लोग दीवाने हो गए। वहीं सारा के आंख मारे गाने की बात करें तो उनकी अदाएं और एक्सप्रेशंस हूबहू मां अमृता की तरह दिख रहे हैं। ये गाना 1996 में आई अरशद वारसी की फिल्म तेरे मेरे सपने का हिट सॉन्ग है, जिसे सिम्बा के लिए रिक्रिएट किया गया है। ये गाना उस वक्त भी काफी हिट हुआ था। सारा में देखी उनकी मां अमृता की झलक साफ नजर आती है। अमृता सिख परिवार में जन्मी, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी रचाई, लेकिन उनकी शादी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं अक्सर सारा में भी पंजाबी अंदाज देखने को मिलता है। सलमान खान के करियर में ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। उनकी निर्माणाधीन भारत की शूटिंग करीब करीब पूरी होने को है और उनकी अगली फिल्म का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर्स रेस 3 से पहले सलमान खान के आसपास चक्कर लगाते रहे हैं। वो सब भारत का टीजर या ट्रेलर आने की राह तक रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान के पास अब कोई नई फिल्म नहीं है और न ही किसी फिल्म का आधिकारिक ऐलान होने की सूरत नजर आ रही है। साल 2018 में हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता का तमगा पा चुके सलमान खान के लिए साल 2019 अच्छा नहीं दिख रहा है। संजय लीला भंसाली ने सलमान खान के साथ इश्क सुभान अल्लाह बनाने का विचार शुरुआती बातचीत के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रेस 4 बनाने से भी निर्देशक रेमो डिसूजा तौबा कर चुके हैं। सलमान खान का कारोबारी मॉडल भी तमाम फिल्म निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा लगने लगा है। सलमान खान अपनी हर फिल्म के मुनाफे में मोटी हिस्सेदारी लेने लगे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले मिलने वाली ज्यादातर रकम इसके चलते सलमान खान के खाते में ही चली जाती है। फिल्म हिट हुई तो मुनाफा भी मिलता है, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो निर्माता के हाथ से मूल रकम भी चली जाती है, जिसके बाद सलमान खान के पास सिर्फ दबंग 3 बची है। साल 2018 में इसके शुरू होने की खबर थी, लेकिन अभी तक इसकी शूटिंग पर ग्रहण लग चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री में उन हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही नहीं, अपने काम के अलावा दीपिका कमाई के मामले में भी किसी से कम नहीं है और वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारों को भी कमाई के मामले में टक्कर दे रही हैं। हाल ही में दीपिका से जुड़ी एक ऐसी खबर हमारे हाथ लगी है जिसको सुनकर दीपिका के फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दरअसल फोर्ब्स मैगजीन ने इंडिया के टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है, जो कमाई के मामले में सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में सलमान खान को सबसे पहला पायदान मिला है। इससे पहले भी वो इसी पायदान पर काबिज थे। वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण ने आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा को पछाड़ते हुए कब्जा जमा लिया है। दीपिका की इस लंबी छलांग से सब लोग हैरान हैं। इस लिस्ट में उनकी सालाना आय 112.8 करोड़ आंकी गई है। इसी के साथ दीपिका टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर भारत की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला बन चुकी हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका ने कमाई के मामले में सभी अभिनेत्रियों को पछाड़ दिया है।
अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।